आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। विष्णु को प्यारे शिव जी को प्यारे हैं श्री राम, एक दूजे की सेवा में खड़े दोनों ही अविराम। वो कैसा खेल निराला, शेष शैया है कहीं तो कहीं है सांपों की माला। आप अगर पुराणों की बातें करें तो हम देखते हैं कि सभी देवी देवता एक दूसरे की बड़ी बातें माना करते थे, एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते थे, एक दूसरे को बड़े प्रिय होते थे। अगर सभी देवता कष्टों में आते थे तो वो शिव जी के शरण में जाते थे। विष्णु जी को शिव प्रिय थे, राम को शिव प्रिय थे, शिव को राम प्रिय थे। अजीब सी घटनाएँ नहीं हैं ये, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, हमको सिखाती हैं आपको कैसे रहना है। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात, मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की मंगलमयी बधाइयाँ बधाइयाँ जी बधाइयाँ। आज 26 अक्टूबर 2023 चंद्रमा मीन राशि में, अहोरात्र नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपदा, गुरु का नक्षत्र है सुबह 11:26 तक, उसके बाद शनि का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा। आज मासिक प्रदोष है, शिव जी का यह व्रत बच्चों की भलाई के लिए किया जाता है। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है मीन के चंद्रमा और शनि का नक्षत्र। मेष राशि, शनि के नक्षत्र के कारण अड़चने आ सकती हैं आपके विदेश रिलेटेड कामों में। धन की आपको चिंता हो सकती है, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, प्रेम संबंधों से आपको टेंशन हो सकती है। वृषभ राशि, आपके लिए शनि का नक्षत्र जो है आपको खींचतान करा सकता है आपके केसेस और विवाद में, और आपको पैसा लाने में थोड़ी दिक्कत तो हो सकती है लेकिन पैसा प्राप्त जरूर होगा। मिथुन राशि, आपके पिता समान लोगों के कारण आपको थोड़ा सा काम में बढ़ोतरी जो हो रही थी उसमें थोड़ी स्लो लग सकती है गति, लेकिन उनकी इज्जत बराबर कीजिएगा। और उनसे रिलेटेड कोई समस्या है तो आज बातें बढ़ाइएगा नहीं, क्योंकि वो आपके पिता हैं, वो आपका सर्वस्व अच्छा चाहते हैं। आप अपने कार्यों में विलंब होता है तो थोड़ा सा रुक रुक के कीजिए। कर्क राशि, आपके लिए कई सारे काम ऐसे हैं जो बड़े भाई बहनों के साथ मिलकर करने थे, आपको करनी थी, नई कामों की शुरुआत तो आज का दिन कर सकते हैं। यात्राओं में भी आप जा सकते हैं लेकिन संभल के, दवाइयाँ खाना पीना साथ लेके। सिंह राशि, तबीयत को संभालते हुए कार्यों को आगे बढ़ाएं, अपने कुछ काम ऐसे कर दें जिसमें आपको सुख शांति मिले कि अब आप डायग्नोज कर चुके हैं अपनी तबीयत का, ससुराल पक्ष के साथ काम कर सकते हैं। कन्या राशि, आपके लिए कई सारे काम ऐसे हैं जो आपके विवाहित जीवन के साथी से बनने थे और अचानक उनकी तबीयत खराब हो या वो आपको पूरा सपोर्ट ना कर पाए तो भी आप बेचैन मत होइए और अपने कार्यों को सुचारू रूप से करते रहें भले ही धीमे धीमे हो। तुला राशि, तुला राशि के लिए आज का नक्षत्र आपको थोड़े से विरोधियों की वृद्धि कर देगा और आप जो हैं बेटर अवस्था में तो हैं, कामकाज भी खूब बढ़ रहा है इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, केसेस विवाद विरोधियों से सावधान रहना है और आपको बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार संभल के करने हैं। वृश्चिक राशि, आपके बच्चे अगर आज कुछ स्लो हो जाएं, धीमे हो जाएं और काम तो बहुत करें, कर्मठता से करें लेकिन आपको मजा ना आए तो उन पर उलझिए नहीं, उनके साथ शांति बना के रखें। और आप भी थोड़े स्लो हो सकते हैं, आप याद रखिए, रेस्ट कीजिए और काम धीमे धीमे सब निपटाइए, मित्रगण भी आपका साथ दे सकते हैं। धनु राशि, आपके लिए आज का दिन माता पक्ष की तबीयत का ध्यान रखने का दिन है और साथ में घर की व्यवस्था और आपके वाहन वगैरह आस्थे चलाने का दिन है। आप ये भी याद रखें कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत कुछ सूझेगा आज, तो आगे बढ़िए। मकर राशि, परिवार से आपके लंबे रिश्ते रहे इसलिए कड़वा ना बोले और आपके कुछ भी करके आपके जो काम काज है वो सुचारू रूप से बन रहे थे, थोड़ी गति स्लो हुई है तो घबराए ना, पराक्रम उत्साह में कमी हुई है तब भी घबराए ना, काम करते रहें, आपको बड़ा काम हाथ में मिल सकता है। कुंभ राशि, आपके लिए अब देखिए कि परिवार आपका स्लो चल रहा है, कड़वा बोल रहा है, आप भी कड़वा बोल रहे हैं, उनके साथ बात बिगड़ ना जाए
आप संभल के बात करें और साथ साथ में संचित धन जो है लंबे समय के लिए संचित कर लें, हो सकता है। मीन राशि, आपके लिए अब थोड़ा सा कर्मठता आना, दंड प्रियता आना और न्याय प्रियता आना वाजबी है, लेकिन आप ज्यादा गुस्सा ना करिए, लोगों को ज्यादा दंड मत दीजिए और अपने आप में थोड़ा शांत हो जाइए। आज हम बात करेंगे सुखों के दाता, प्रेम के दाता, आकर्षण के दाता और आपके जीवन में आनंद के दाता, वैभव के दाता शुक्र के। शुक्र आपकी मानसिक स्थिति को अच्छा रखते हैं, खुश रखते हैं और आपको जीवन में चारों तरफ आनंद देते हैं अगर उनकी कृपा हो जाए तो। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। ऐसे शुक्र अगर कुंडली में अच्छे ना बैठे हों और आपको उपाय करने हों तो चलिए हम शुक्र के उपाय जानते हैं। सबसे पहला उपाय शुक्र का कि आपको आपके घर की स्त्रियों का आदर करना चाहिए। अगर आपने अनादर किया तो आपके शुक्र बिगड़ जाएंगे और आपको शुक्र जनित समस्याएं उद्भवित हो जाएंगी। गुड मॉर्निंग एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आइए हम जानते हैं कि आज का शनि का नक्षत्र और गुरु की राशि में चंद्रमा, मीन राशि में चंद्रमा किसको सबसे ज़्यादा सुहा रहा है। तो सबसे ज़्यादा ये सुहा रहा है वृषभ राशि को और सबसे ज़्यादा सुहा रहा है ये तुला राशि को। बड़ा वाला काम आपका हो सकता है। आइए किसी एक की समस्या का समाधान ईश कृपा से किए देती हूँ। मुंबई डोंबिवली से साक्षी जी लिखती हैं, मेरी जॉब कहाँ और कब लगेगी, नंबर दिया है इन्होंने 68। तो साक्षी जी, आपकी जॉब लग सकती है किसी सरकारी दरबारी जगह पर। कोशिश कीजिए, पढ़ाई कीजिए, कोर्सेज कीजिए और उसके बाद आप आश्वस्त रहिए गायत्री मंत्र करके, सूर्य की आराधना करके। हो गया जी इनकी समस्या का समाधान। फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है शहर।